वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। कि इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किडनी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो सकती हैं और उनका इलाज जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट किडनी प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करें, फर्स्ट किडनी प्रॉब्लम इज डैट आर किडनी स्टोन्स। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, डैट इज किडनी स्टोन्स। कि समटाइम्स बाज़ औक़ात किडनीज़ में, हम जानते हैं किडनीज़ जो हैं वो डायल्यूट यूरिन भी बनाने की सलाहियत रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पर किडनीज़ जो हैं वो बॉडी में कंसनट्रेटेड यूरिन भी बनाती हैं। अब देखा ये गया है कि किडनी जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाती हैं तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने की वजह से किडनीज़ के अंदर जो हैं वो स्टोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। किडनीज़ के अंदर कुछ स्टोन लाइक मटेरियल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है, किडनी में फॉर एग्जांपल हेयर, फॉर एग्जांपल अ स्टोन इज़ प्रेजेंट हेयर, अ स्टोन इज़ प्रेजेंट हेयर, मे बी अ स्टोन मे बी फॉर्म्ड। किडनीज़ के अंदर स्टोन्स बनते हैं तो वो जो स्टोन्स होते हैं वो बाज़ औक़ात जो हैं वो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का बायस भी बनते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट का बायस बनते हैं यूरिनरी सिस्टम में। वो यूरिन की बॉडी से जो एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन जो है, उसमें रुकावट का बायस जो है वो बनते हैं। तो किडनी स्टोन्स में हमने देखा कि किडनी स्टोन्स में इस प्रॉब्लम में होता क्या है। इन किडनी स्टोन्स, इन दिस प्रॉब्लम, stony materials are formed, stony materials are formed inside kidneys that cause urinary obstruction, जो कि urinary system में रुकावट का बायस जो है वो बन सकते हैं and becomes complicated more when infections occur. तो हमने देखा कि किडनीज के अंदर बाज़ औक़ात किडनीज़ के अंदर कुछ स्टोन लाइक मटेरियल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी सिस्टम जो है वो, उसमें रुकावट जो है वो पैदा हो सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता जो है वो किसी किस्म का इस दौरान किसी किस्म का इन्फेक्शन भी हो जाता है तो कंडीशंस जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। एक तो किडनी के अंदर जो है वो स्टोन्स बन चुके हैं जिसकी वजह से यूरिन की सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर नहीं, एलिमिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। और दूसरा, अगर इस दौरान इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं यूरिनरी सिस्टम में किसी किस्म के, तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो हमने देखा कि इस, ये जो प्रॉब्लम है किडनी स्टोन, इसमें किडनीज के अंदर जो है वो कुछ स्टोन लाइक मटेरियल्स बनते हैं। अब ये जो स्टोन लाइक जो मटेरियल्स बनते हैं, ये खास नेचर के होते हैं, इनकी खास कंपोजिशन होती है। दीज स्टोन्स, ये जो स्टोनी मटेरियल्स हैं, दीज स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। ये जो स्टोन्स किडनी के अंदर बनते हैं, इनकी खास जो है वो कंपोजिशन होती है, ये खास केमिकल्स से जो है वो बनते हैं, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सालेट है, ये वो केमिकल्स हैं जो ज़्यादातर किडनीज के अंदर स्टोन फॉर्मेशन का बायस जो है वो बनते हैं। अब इसके अलावा किडनी स्टोन्स जो हैं, ये ज़्यादातर किन लोगों में किडनी स्टोन्स जो हैं वो सामने आती हैं या किडनीज़ के अंदर स्टोन्स बनती हैं, वो लोग जिन्हें किसी ना किसी किस्म की जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। स्टोन्स दे आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक डिजीज़। ये किडनी स्टोन्स ज़्यादातर उन लोगों में देखने को जो है वो मिलते हैं जिनको किसी ना किसी किस्म की मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें हाइपर
कैल्सीमिया की, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर हाइपर मीन बहुत ज़्यादा, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। अगर ब्लड के अंदर डेट व्हाट इज हाइपर कैल्शीमिया, डेट इज हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टरबेंस की वजह से उनकी बॉडी में ब्लड में हमेशा कैल्शियम ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो यही ब्लड जब किडनीज में दाखिल होगा तो कैल्शियम जो है वो बाज़ औक़ात किडनीज में जो है वो स्टोन फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। इस क्योंकि कैल्शियम जो है इसको किडनी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, और अगर किडनी कंसनट्रेटेड यूरिन बना रही है, वाटर बहुत कम मिकदार में है, तो कैल्शियम इतनी आसानी से किडनी से बाहर नहीं निकल पाते। यूँ किडनीज के अंदर रहकर ये स्टोन्स बनाने का बायस जो है वो बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डेट इज़ हाइपर ऑक्सैलूरिया, हाइपर ऑक्सैलूरिया डेट इज़ हाई लेवल ऑफ ऑक्सालेट, हाई लेवल ऑफ ऑक्सालेट्स। ऑक्सालेट जो है ये भी एक खास किस्म का जो है वो केमिकल है जो ज़्यादातर जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में जो है वो पाया जाता है। दिस केमिकल ऑक्सालेट इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये भी कैल्शियम ऑक्सालेट सार्स, खास तौर पर ऑक्सालेट सार्स बनने का बायस जो है वो बन सकते हैं। तो ये वो दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें किडनी स्टोन्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमने बात की थी कि किडनीज के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं वो खास केमिकल नेचर के होते हैं, खास टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किडनीज में, वैसे तो बहुत सारी केमिकल नेचर के, बहुत सारी टाइप्स के जो हैं वो स्टोन्स बनते हैं, लेकिन तीन बड़े कॉमन हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन डैट इज़ कैल्शियम ऑक्सालेट, नंबर 2 डैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट, एंड नंबर 3 डैट इज़ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो तीन ऐसे कैल्शियम ऑक्सालेट, ऑक्सालेट जो हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये तीन टाइप्स के स्टोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यूरिक एसिड जो हैं इसके 10% चांसेस होते हैं, 10% चांसेस। कैल्शियम फॉस्फेट के अगर हम देखें, सेकेंड जो ट्रीटमेंट है डैट इज़ लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें बगैर सर्जरी के किडनीज के अंदर जो मौजूद स्टोन्स होती हैं उनको किडनी से जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, तो लिथोट्रिप्सी जो है इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो कॉमन जो टाइप लिथोट्रिप्सी की इस्तेमाल की जाती है डैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरील शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। देर आर मैनी काइंड ऑफ लिथोट्रिप्सी बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिथोट्रिप्सी इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरील शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब ये जो लिथोट्रिप्सी है जिसे हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरील शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स आर एक्सपोज्ड ऑन अफेक्ट किडनी एरिया। जो लिथोट्रिप्सी जो है इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इस टेक्निक में हाई कंसंट्रेशन की जो एक्सरेज होती हैं या जो अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं उनको क्या किया जाता है, किडनी के उस एरिया पर जो है वो डाला जाता है जो कि अफेक्टेड होता है, जहाँ पर स्टोन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जिसका नतीजा क्या होता है, जैसे ही ये श्वाएँ जो हैं किडनी में स्टोन्स के साथ टकराती हैं ये क्या करती हैं, दे ब्रेक एंड ब्रेक स्टोन इंटू सैंड लाइक पीसीस।
छोटे छोटे ज़रात में जो हैं वो तब्दील कर देंगी, जिस डेट आर पास्ड आउट, जो कि फिर बासानी जो हैं वो यूरिन के ज़रिए जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे।